हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर शिवकुल स्टडी पॉइंट। चलो हम शुरुआत करते हैं रोज की तरह अपना कोई एक अच्छा सा टॉपिक। तो आज हम बच्चों बात करेंगे आपके हिंदी के एक वर्णमाला के एक अंतिम टॉपिक पर, जिसका आपका नाम है व्यंजनों का अवर्गीकरण। ठीक जी, चलो हम बात करते हैं बच्चों अपना व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आपको पिछली क्लासेस में वर्णमाला में आपके लगभग 17 लेक्चर्स आपके डाले जा चुके हैं, और आज आपके शायद 2 या 3 लेक्चर्स आपके ही होंगे और आपकी वर्णमाला पूरी हो जाएगी। ठीक, तो इससे पहले पूरी करने से पहले 2 मिनट की तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। तो बच्चों सबसे पहला एक रीजन तो ये है, कई सारी बातें होती हैं, तो एक तो सबसे पहला प्रश्न यही निकल कर गया है मेरे सामने कि सर आप वर्णमाला को ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा पढ़ा रहे हैं ना। तो इस सवाल का एक छोटा सा जवाब है, आप बड़े ध्यान से समझें बच्चे। पहली बात तो यहाँ पर 3 रीज़न हैं पढ़ाने के। नंबर एक, पहला रीज़न तो ये है, आप अगर किसी भी एक भी पर्टिकुलर किताब को उठाएंगे तो उस किताब में आपको सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं मिलेंगी। तो पहला तो चीज़ों को बताने का ये रीज़न है, ताकि आप जो भी किताब पढ़ें आपको सारी बुक समझ में आ जाए। दूसरा इसका रीज़न क्या है, दूसरा इसका भैया रीज़न आपका ये है कि हमारी वीडियो बनती है यूट्यूब पर डलती है, अब हमें नहीं पता इसे कौन देख रहा है और देख रहा है और आने वाले टाइम में कौन इसे देखेगा। अब जो देख रहा है क्या पता वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करता हो, सर इसको वो व्यक्ति भी देखेगा जो कि आपका यूपी पुलिस एसआई के लिए तैयारी करेगा, इसमें वो भी देखेगा जो यूपी टेट का है बच्चा, यूपी टेट में भी आपका सुपर टेट अलग हो जाएगा, सी टेट वाला व्यक्ति भी देखेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्लासिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस चीज़ को कहाँ तक दें। तो इससे बेहतर है कि वो दे दिया जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको वीडियोस में मैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, दूसरी बात, जो अंतिम मुख्य आपका जो है विषय है या जो ज़्यादा देने का रीज़न है, देखो आप एक चीज़ बड़े ध्यान से समझे, आपको जो पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चे वो आपको पढ़ाया जा रहा है हिंदी। तो हिंदी के बारे में कब धारणा है, सर हिंदी तो हम कर ही लेंगे, भाई बिल्कुल आपकी सही बात है, इसका कोई गलत वे नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल आप हिंदी कर लेंगे, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन जरा एक मिनट के लिए कुछ कैलकुलेशन देख लें, जो थोड़ा सा हमारा अनुभव है, 2-4 हमारे जो छोटे दिमाग में बातें आती हैं। अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन हिंदी के आए, आप ध्यान से समझिएगा, तो आप 50 में से कितने करेंगे, मैं आपको बड़े आसान एक बड़ी अच्छी सी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। आप उन 50 में से सीधी सी बात है आप 40 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, और मैं आपको ये बात और बता देता हूँ, ऑन एन एवरेज आपका आंकड़ा हमेशा 40 से 35 क्वेश्चन के बीच में निकलता है, अगर आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा जाता है तब भी 40 का मतलब आपका बहुत बढ़िया जाएगा। अब दिक्कत वाली बात यह है, जो आप बिना पढ़े कर रहे थे कि सर हम हिंदी को आराम से कर लेंगे, ज़्यादा मेहनत ना करें, तो रीज़न इसका एक बड़ी मज़े की बात यह है, ये बात हर बच्चे सोचता है। अगर सब बच्चे इस बात को सोचेंगे तो इस बात का बिल्कुल सीधा सा मतलब होगा सारे बच्चे यही स्कोर करेंगे, और जब सभी बच्चे यही स्कोर करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन आपका ख़त्म कहाँ हुआ, कंपटीशन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, सारे बच्चे जब 40-35 सवाल या 40 सवाल कर रहे हैं। तो जो आपकी मेन वैल्यू है वो इनकी नहीं है कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कंपटीशन है बच्चे, यहाँ डार्विन का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट लागू होगा, योग्यतम की उत्तर जीविता, अगर आप योग्य हैं तो आप जीवित हैं, अन्यथा आपको कंपटीशन में रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि बात थोड़ी कड़ी भी है लेकिन सच है। तो जो सारी लड़ाई है वो लड़ाई है आपकी 10 से लेकर 15 नंबर की। अगर आप भाई ये वाले नंबर तो सभी को मिलने हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हर पेपर आपका ऐसा आता है 50-60% क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, सर सारी लड़ाई तो आपकी इन 10 से 15 की है, आप चैंपियन तब हैं तब आप इन 10 से 15 को खींचे। अब आपका ये डिपेंड करेगा कि सर आप उस 50 में से नंबर 45 ला रहे हैं कि आप 48 नंबर ला रहे हैं कि आप 50 ला रहे हैं, और ये कंपटीशन है, यहाँ हिंदी में 50 में से 50 भी मिल सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से मुझे इन चीज़ों पर बात कर थोड़ा सा दृष्टिपात करना पड़ता है ना, नज़रें इनायत करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा एक और रीज़न भी समझ लीजिए, अगर आप अभी प्रीवियस ईयर उठा करके देखें, चलो मैं आपको
सबसे नए एग्जाम की बात करता हूँ। अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में होते हैं, शायद मुझे डेट याद आ रही है, 4 या 5 जनवरी थी। आप उसके पेपर उठा करके देखें, एक बच्चे ने मुझे पेपर दिया था, सीरीज थी AH, मुझे सीरीज भी ध्यान है। उस AH सीरीज में 4 सवाल क्या थे, उनमें से 2-3 सवाल मैं तुम्हारे सामने जो है बताना चाहूंगा, आप देखिएगा फैक्ट कहां तक आपके रिलायबल हैं। उसमें एक सवाल ये था कि जिन, अब सवाल को ध्यान से समझना और फिर ये समझना कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया। उसमें सवाल ये था कि जिन स्वरों के अंत में दीर्घ स्वर होता है उनका बहुवचन बनाने की विधि क्या है। उसमें ए ऑप्शन था उन स्वरों के अंत में चंद्रबिंदु लगा देते हैं, ऑप्शन बी था उन स्वरों के अंतिम अक्षर को ह्रस्व कर देते हैं, ऑप्शन सी था उन स्वरों के अंतिम अक्षर को ह्रस्व करके उन पर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है, या डी था इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान से देखें, अब सवाल ये तब समझ में आएगा, अब आपको ध्यान करो, आपको एक शब्द लिखाया गया था पड़ोसी, और बताया था पड़ोसी में बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा का मतलब आपका हुआ दीर्घ स्वर। तो आप इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, इसका बहुवचन आपके बच्चे बनेगा मात्रा को छोटी कर दो और यहां पर आप क्या लगा दोगे चंद्रबिंदु, ये आपका बिंदा चंद्रबिंदु का कार्य करता था। ये आपको एक अक्षर वो बताया था आपका रानी, और रानी का हमने शब्द आपका लिखा था बच्चे रानिया, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, इस सवाल को ऑप्शन नंबर सी सही था, उस अक्षर के अंतिम अक्षर को, ये उस शब्द के अंतिम अक्षर को ह्रस्व बना देते हैं, ह्रस्व का मतलब छोटा स्वर, मात्रा बड़ी है तो छोटी बना दोगे, और अंत में क्या लगा दोगे यहाँ पर चंद्रबिंदु, यहाँ लगा दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी एग्जाम में आजकल आते हैं, तो इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पर बात की जाती है। तो इसलिए बच्चे ये ना समझें कि आपको कोई भी चीज वो कराई जा रही है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, हाँ वो जरूर कराई जा रही है जो कि आप अभी तक जिन चीजों से अनभिज्ञ थे, है ना, कुछ चीजों से। तो कोशिश मैं करता हूँ जहां तक मुझे लगता है, तो चूंकि मेरा भी बस यही काम है, मैं भी आपके जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका SSC है, बैंकिंग है, PCS है, तो मैं सारे क्वेश्चन पेपर लगातार देखता रहता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि आपको उसमें से क्या कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। चलो खैर, इन बातों को करते हुए मैंने आपकी 2 से 3 मिनट ली, इसके लिए क्षमा प्रार्थी आपका, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देनी आपको जरूरी थी। चलो अब हम आगे बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजनों का वर्गीकरण, हमारी वर्णमाला का ये अंतिम टॉपिक साबित होगा व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पहले हिंदी की वीडियो में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। अब अगर मैं व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करूं तो ये आपका वर्गीकरण कैसे कैसे है, जरा इसमें कुछ आपके केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा कुछ परिवर्तन नामित किए गए हैं, जिन परिवर्तनों पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो कहां कहां से आपके परिवर्तन लिए गए और कैसे कैसे आपके लिए गए, तो जरा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला वर्गीकरण आपका इसमें होता है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। स्थान का मतलब यहां पर है बच्चे उच्चारण स्थान, मतलब जब आप किसी भी स्वर को बोलोगे तो आप उसको कहां से बोल रहे हो। तो इस उच्चारण स्थान के आधार पर आपको कितने भागों में बांट दिया गया, मैं आपका लिख देता हूं। इसमें कुछ आपका नया पोर्शन है, ध्यान से समझेंगे। पहला आपका कंठ है, दूसरा है आपका तालव्य, एक आपका है इसमें मूर्धन्य, दंते दंते, औष्ठ्य, और इसके अलावा दंतोष्ठी, दंतोष्ठी अगला आपका वत्सर्य और काकल्य, एक और होता आपका स्वरतंत्र, उस पर भी चर्चा हम करेंगे बाद में, काकल्य। इनको हमने बांटा स्थान के आधार पर, हमारे मुंह में जो भी स्थान है जिनसे भी उच्चारण होता है उसके आधार पर हमने इनको बांट दिया, ठीक है बच्चे। अगला अगला आपका इसमें होता है भैया प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न का मतलब आप किसी भी व्यंजन को बोलने की कोशिश कर रहे हो और करते वक्त आपको मुश्किल होगी ज्यादा या कम, इसके आधार पर है, तो प्रयत्न के अनुसार या प्रयत्न के आधार पर। अब यहां भी देखेंगे जी, यहां भी आपका क्या माजरा है। तो इस प्रयत्न के आधार पर बच्चे पहला आपका इसमें होता है स्पर्शी, इसको स्पर्श नहीं कहते, स्पर्शी कहते हैं। दूसरा आपका है संघर्षी, संघर्षी। तीसरा आपका, आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका बनेगा स्पर्श संघर्षी। एक आपका इसमें होता है नासिक के,
ठीक जी। इसके अलावा एक आपका इसमें होता है उत्प्रक्षिप्त, उत्प्रक्षिप्त ठीक। चलो इसको सही से लिख देते हैं भाई, उत्प्रक्षिप्त को। ठीक है जी। इसके अलावा आपका होता है अंतस्थ, ये होते हैं। अभी जो आपके अंतस्थ हैं, ये भी अपने आप में तीन प्रकार में बांट दिया जाता है, अंतस्थ को ही बांटने में। ये इस बार इसमें पहला आपका होता है अर्धस्वर, दूसरा आपका इसमें होता है लुंठित, और तीसरा आपका इसमें होता है पार्श्विक। अर्धस्वर, दूसरा लुंठित, और तीसरा आपका पार्श्विक। तो ये स्थान के आधार पर वर्गीकरण है आपका, प्रयत्न के आधार पर। इसके अलावा आपका होता है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर या के अनुसार, एक ही बात है के अनुसार लिख दिया जाएगा। चलो तो इसके आधार पर यहां पर दो भागों में इसको बांट दिया गया, एक को हम कहते हैं अघोष और दूसरा आपका होता है इसमें सघोष। एक आपका होता है अघोष और दूसरा आपका होता है सघोष। और ये ध्यान रखेंगे सघोष को केवल घोष भी कहा जाता है ना, घोष इसी को कहते हैं, कुछ किताबें इसे केवल घोष लिखती हैं। इसके अलावा चौथा आपका होता है प्राण के आधार पर, प्राण का मतलब सांस से है यहां पर, ठीक है जी। सांस कैसे निकलती है, प्राण के आधार पर। और यहां पर भी दो भागों में आपका बांट दिया गया, एक को हम आपका कहते हैं अल्प प्राण और एक को हम आपका कहते हैं भैया महाप्राण। तो इतने आधारों पर हमने इसको बांटा, ठीक है जी। तो ये पहले तो आप इस चार्ट को सही तरीके से समझेंगे। आपके व्यंजनों का वर्गीकरण है आपका, चार भागों में हमने व्यंजनों को वर्गीकृत कर दिया। पहला आपका होता है कंठ्य, दूसरा आपका है मूर्धन्य, तीसरा आपका है दंत्य, दंत्य के बाद आपका है इसमें ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, वत्सर्य और आपका काकल्य, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, आपका नासिक के, उत्प्रक्षिप्त और आपका अंतस्थ। अंतस्थ को तीन भागों में बांट रखा आपने, अर्धस्वर, लुंठित, पार्श्विक। फिर आपका अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक बच्चे। तो ये आपके हुए। अब हम इसमें बात करेंगे उसी तरीके से, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किन व्यंजनों का वर्गीकरण करना है। तो मैं एक मिनट के लिए सारे के सारे व्यंजन यहां लिख लेता हूं, ठीक है जी। आपको कोई आपत्ति नहीं होगी भाई, हमारे व्यंजन इस तरीके से थे भाई। ये पहला आपका हुआ करता था क वर्ग, दूसरा आपका था च वर्ग, तीसरा आपका था ट वर्ग, फिर आपका था त वर्ग, फिर आपका था प वर्ग। इसके अलावा आपका आता था उष्म के अलावा आपका आता था अंतस्थ के बाद आपका था द्विगुण। ये देखा होगा, एक और बचा आपका इसमें संयुक्त। तो संयुक्त का वर्गीकरण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बाद में चर्चा करेंगे, और सबसे लास्ट में। और आपके बचे होंगे आगत, आगत का वर्गीकरण अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी चर्चा करेंगे सबसे लास्ट में। तो देखो कौन कौन से होते हैं, मैं लिख लेता हूं। आपका क वर्ग में आप बहुत अच्छे जानते हैं आपका, ये आपके होते हैं के, खे, गे, घे और पहला पंचमाक्षर, ये बोलते हैं इसको, है ना। च, छ, ज, झे आपका होगा, ये हो गया। फिर आपका आएगा टे, ठे, डे, ढे, अण। फिर आपका इसमें आता है ते, थे, दे, धे और ने। यहां पर आपको होता है पे, फे, बे, भे और मे। और उष्म में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं शे, शे, से, है। अंतस्थ ये, रे, ले और वे। और द्विगुण में आपको पता है जी ळ और ढ। ये आपके पास थे, है ना। तो ये आपके व्यंजन हो गए, तो इनका हमें वर्गीकरण करना है। चलो देख लेते हैं आपका क
किस किस का वर्गीकरण हम करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं एक मिनट के लिए यहां से केवल इसको खत्म कर रहा हूं, जब आवश्यकता होगी तो बड़ी आराम से कर लेंगे, है ना। केवल इसको ही खत्म कर देता हूं यहां तक, जब आवश्यकता होगी तो मैं इसको खुद लिख दूंगा दोबारा, तब करेंगे। इससे पहले जो इसमें बेसिक बात है उनके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। भाई पहली बात क्या थी, ये जो आपके पांच वर्ग हैं यहां से यहां तक, इनको हमने नाम दिया था आपका स्पर्श व्यंजन। तो पहला तो इस कंफ्यूजन को दूर करें, स्पर्श व्यंजन में तो पांच पांच के पांच वर्ग हैं जो कि कुल मिलाकर के 25 हैं, लेकिन ये आपका स्पर्श ही है। एक तो अंतर आप क्रिएट करेंगे, उष्म, उष्म को हम स्वर तंत्र भी कहते हैं, इसके बारे में आप बात करेंगे। स्वर तंत्र इसको कहा जाता है, स्वर तंत्र हम वहां भी लिख सकते हैं यहां भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा खासा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अंतस की अगर मैं बात करूं तो अंतस में आपका आता है ईयर एलेवे, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। द्विगुण को द्विस्पर्श भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको बता दिया गया था। चलो जी, अब हम देखेंगे सबसे पहले स्थान के आधार पर कंठे क्या है, तालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत्य क्या है, औष्ठ्य क्या है, सबके बारे में एक एक करके चर्चा होगी। तो बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से समझते वक्त आप इन चीजों को जरा याद रखेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से खत्म कर देता हूँ, नहीं चलो यहीं लिख करके बता दिया जाएगा आपको। चलो सबसे पहले आपका इसमें हुआ कंठे, इसको भी खत्म कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे दोबारा से जब आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले आपके पास आएगा स्थान के आधार पर। स्थान का मतलब है आपका मुंह जो है, इसके अंदर कुछ आपके स्थान निश्चित किए गए हैं, तो जो व्यंजन जिस स्थान की सहायता से बोला जाएगा उसको वही कह दिया जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखेंगे आप। पहला आपका कंठ है, कंठ कहते हैं गले के भीतरी हिस्से को। तो जब आप बोलोगे के खे गे घे तो आपके कंठ का प्रयोग होगा, इसलिए इस कंठिये का अगर आपसे उदाहरण पूछेगा तो इसका उदाहरण आपका होता है के वर्ग, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही आपका होगा तालव्य। तालव्य क्या होता है, देखो जब आप बोल करके देखेंगे आप चे छे जे झे, जब बोलेंगे चे छे तो आपकी जीभ ऊपर वाले दांतों से थोड़ा पीछे स्पर्श करेगी, उसी जगह को हिंदी में तालू कहा जाता है आपके मुंह के अंदर, तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं आपका तालव्य। और तालव्य में आपके आ जाते हैं चे वर्ग। बात क्लियर है। अगला आपका होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य मुंह के ऊपर ही आपका हिस्सा होगा लेकिन वो आपका तालव्य से पीछे होगा। देखो जब आपने बोला चे तो जीभ आपकी थोड़ा आगे स्पर्श थी, मैं बोलूंगा आपसे टे तो थोड़ा पीछे स्पर्श होगी। तो जहां पर मुंह के ऊपर की छत होती है उसको मूर्धा कहा जाता है। उस मूर्धा से जो भी व्यंजन बोला जाएगा वो आपका मूर्धन्य होगा। उदाहरण आपका है टे वर्ग, टे ठे डे ढे ए। तो जब आप इसको बोलोगे तो आपका हो जाएगा ये टे वर्ग, टेवर्ग आपका यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा दंतीय, दंतीय वो होंगे जिनके उच्चारण में आपकी जीव दांत को स्पर्श करेगी, दांत को छुएगी। भाई उदाहरण के तौर पर आपका ते थे दे धे ने, तो देखो सब में जीव आपके दांत को स्पर्श कर रही है तो आप इसको कह दोगे तेवर्ग। ऐसे आपका अगला है औष्ठ्य। औष्ठ्य का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में आपके होठ आपस में मिलेंगे, आप बोलोगे पे फे बे भे और मे, तो मतलब आपका जो पूरा का पूरा पे वर्ग है वो आपका हो जाएगा औष्ठ्य, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे दंतोष्ठ्य की। अब देखो दंतोष्ठ्य क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत और होठ दोनों आपस में मिलते हो, इसका उदाहरण एक केवल एक है आपका वे, वे नहीं आपका वे, जो आपका अंतस में होता है वे, ठीक। इसके अलावा वत्सर्य, वत्सर्य में आपका आता है से ने रे और ले, ये आपके आते हैं, ठीक। अब इसमें जरा ध्यान से, वत्सर्य आपके होते क्या हैं, जब आप बोलोगे से ने रे ले तो इसमें क्या होता है, इसमें जीव तालव्य दांतों पर भिड़ती तो है लेकिन हवा के दबाव से जीव आपकी हटने की कोशिश करती है, इसलिए इसको वत्सर्य कहा जाता है, ठीक। अगला आपका आएगा काकल्य। काकल्य का मतलब है जिनका उच्चारण गले के बहुत अंदर के हिस्से से होता हो, जिसको काग कहा जाता है। गले के ऊपर एक लटकी हुई संरचना होती है ना, तो एडम्स एप्पल जो हमारा होता है इसके बिल्कुल पीछे वाला आपका हिस्सा होता है, तो इसको इसमें हम केवल डालते हैं आपका है को, तो काकल्य आपका केवल है में आता है। ये तो आपका वर्गीकरण हुआ। इसके अलावा इसमें आपके कुछ और हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे जरा चर्चा कर लेता हूं। तो आप बात करोगे तालव्य की, तालव्य में इस चे वर्ग के अलावा ये भी आता है और आपका शे भी आता है, ये और शे आपका तालव्य में आता है, जबकि आपका शे तालव्य आपका आएगा
मूर्धन्य में, और आपका अड़ है और अड़ है। तो इस वाली रो के सारे अक्षर आपके, आप जरा ध्यान से देखो, सभी का वर्गीकरण हो गया। देखो पूरा के वर्ग, पूरा चे वर्ग, पूरा टे वर्ग, पूरा ते वर्ग, पूरा पे वर्ग, फिर ये रे ले वे, आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, ये रे ले वे, से देखो से, शे शे और हे, और अड़े उड़े, तो सभी का वर्गीकरण हमने कर दिया। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें आपका इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, ठीक बच्चे। अच्छा इसके अलावा इस है को देखो, है एक्चुअल में काकल्य भी होता है और है को यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो है आपका कंठे भी होता है और है आपका काकल्य भी होता है। अब चूंकि जो काकल्य है वो कंठे का भी भीतरी हिस्सा कहलाता है, अब आपका आंसर है सर हम है को ऑप्शन एग्जाम में क्या लगाएंगे, तो अगर ऑप्शन में आपका केवल दिया है कंठे तो आंसर कंठे होगा, केवल दिया है काकल्य तो आंसर केवल काकल्य होगा। लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो आप ऐसी कंडीशन में प्राथमिकता किसके साथ रखेंगे, काकल्य के साथ, क्योंकि काकल्य आपके कंठे के भी अंदर का हिस्सा है। भाई यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। चलो जी अब इसके अलावा मैं आगे बात करना चाहूंगा, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लो। अब और ध्यान से देखेंगे, अगला आपका था प्रयत्न के आधार पर। तो मैं अगर प्रयत्न की बात करूं तो प्यारे बच्चे उस प्रयत्न, तो उस प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण था उसमें हमने जो पॉइंट्स लिखे थे मैं उनको एक बार लिख लेता हूं। उसमें हमने सबसे पहला आपका लिखा था स्पर्शी, दूसरा आपका लिखा था हमने उसमें संघर्षी, तीसरा आपका लिखा गया था आपका उसमें स्पर्श संघर्षी, चौथा आपका उसमें लिखा गया था नासिक के, इसके अलावा इसमें आपका लिखा गया था उत्प्रक्षिप्त, ठीक, इसके अलावा आपका इसमें लिखा गया था अनुस्व अंतस्थ, और इस अंतस्थ के तीन हिस्से थे वो भी मैं यहां नीचे आपका लिख देता हूं, अर्धस्वर लुंठित और पार्श्विक, इसके आपके तीन हिस्से आपके हुआ करते थे। तो पहले का आपका नाम था अर्ध स्वर, दूसरा आपका हुआ करता था बच्चे लुंठित, और तीसरा आपका हुआ करता था पार्श्विक। वर्णमाला आपके सामने जो कि त्यों लिखी रहेगी, चूंकि इन्हीं का वर्गीकरण करना है तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन उसमें ना हो जाए इसलिए मैंने आपकी लिखी है। अब देखो स्पर्श आपके क्या होते हैं, देखो बहुत ध्यान से, इसमें आपका कुछ परिवर्तन है भैया, इस परिवर्तन को ध्यान से समझेंगे। स्पर्शी का मतलब वो हुए जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा जो मुंह है उसमें जीव कहीं ना कहीं स्पर्श करती हो, लेकिन वो आपकी बिल्कुल फ्रीली मूव करती हो, उस पर कोई आपका जोर ना हो, है ना, तो उनको हम स्पर्शी कहते हैं। और इस स्पर्शी में आता क्या है, इसमें आपका आता है के वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, वेब पेवर।